बेमेतरा जिले में बिरला ब्लॉक स्थित बारूद फैक्ट्री में शनिवार की सुबह हुए विस्फोट को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बेमेतरा जिले के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में हुई घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ। आसपास के जिलों में टीमें बुलाई गई है। राहत कार्य लगातार जारी है। जिला के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में एक बड़ी स्फोट की जानकारी लगी है। मैं प्रशासन के लोगों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन की पूरी टीम कलेक्टर एसपी सहित सब घटना स्थल पर मौजूद हैं और ये सही है कि एक बड़ा विस्फोट है और अभी भी और विस्फोट होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां वहां पर आसपास के जिलों से भी बुलाई गई है। अन्य राहत पहुंचाने वाली टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और तेज गति से राहत और बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है और घायलों को समुचित इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर राहत और बचाव के लिए लगी हुई है और हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जितनी जल्दी राहत हो सके वो पहुंचाई जाए। देखिए, वहां पर एक तो विस्फोट होने से मलबे का ढेर लगा हुआ है। अधिकृत रूप से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, पर जो भी घायल मिल रहे हैं उन्हें रायपुर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। कुछ लोगों को मेकाहारा भेजा गया है, कुछ को एम्स में भी भेजने की बात हुई है। तो अभी घायलों के समुचित इलाज की चिंता सब प्रशासन की ओर से हो रही है। हाँ जी, जानकारी इसी तरह की आई है कि कुछ लोगों को मेकाहारा में एडमिट किया गया है। कुछ घायलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, पर समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। प्रशासन की पूरी टीम राहत और बचाव काम में जुट गई है। बेमेतरा जिला के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में एक बड़ी स्फोट की जानकारी लगी है। मैं प्रशासन के लोगों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन की पूरी टीम कलेक्टर एसपी सहित सब घटनास्थल पर मौजूद है और ये सही है कि एक बड़ा विस्फोट है और अभी भी और विस्फोट होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां वहां पर आसपास के जिलों से भी बुलाई गई है। अन्य राहत पहुंचाने वाली टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और तेज गति से राहत और बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है और घायलों को समुचित इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर राहत और बचाव के लिए लगी हुई है और हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जितनी जल्दी राहत हो सके वो पहुंचाई जाए। देखिए, वहां पर एक तो विस्फोट होने से मलबे का ढेर लगा हुआ है। अधिकृत रूप से कह पाना संभव नहीं है और जो भी घायल मिल रहे हैं उन्हें रायपुर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। कुछ लोगों को मेकाहारा भेजा गया है, कुछ को एम्स में भी भेजने की बात हुई है। कुछ घायलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, पर समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। प्रशासन की पूरी टीम राहत और बचाव काम में जुट गई है।